हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल एसके इलेवन फैंटेसी। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ओमेन्स टी20 बिग बैश लीग का जो फास्ट मैच खेले जाएंगे ब्रिस्बेन हीट वर्सेस सिडनी सिक्सर ओमेन के बीच में, तो उसी के बारे में। तो गाइस देखिए, ये सीरीज हमारे लिए काफ़ी बेहतरीन जाते हैं दोस्तों, और इस बार भी कोशिश करूँगा आप लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट करवाने की। और दोस्तों फुल सीरीज कवर होगा अगर आप लोग दोस्तों वीडियो को अच्छे से सपोर्ट करोगे तो, ठीक है। वीडियो के साथ दोस्तों मैच भी कवर होगा, तो आप लोग जरूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। और दोस्तों आप एक लाइक और एक कॉमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक और कॉमेंट मुझे काफ़ी मोटिवेशन देते दोस्तों और भी ज्यादा बेहतरीन करने की, ठीक है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए एंड तक। तो चलिए दोस्तों, पहले तो दोनों टीम का स्कोर कार्ड दिखा देते जो कि आपको पिछले साल खेलता हुआ नजर आए थे, ताकि आपको अच्छे से प्लेयर के बारे में पता चले। पर देख सकते हैं जो कि 2021 में खेले गए थे, यहाँ पर दोस्तों सिडनी सिक्सर ने 159 रन बनाए थे, उसके बावजूद भी दोस्तों इस मैच में जीत नहीं पाए थे। यहाँ पर दोस्तों ब्रिस्बेन हीट ने इस मैच में जीत गए थे। और दोस्तों इस बार भी ब्रिस्बेन हीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, और ब्रिस्बेन हीट के दोस्तों जीतने का चांस दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा रहेंगे। ऑलमोस्ट दोस्तों यहाँ पर 75% मान के चलो कि ब्रिस्बेन हीट इस मैच में विन करेंगे, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर 25 चांस रहेंगे दोस्तों गेप की सिडनी सिक्सर इस मैच में जीत सकते। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते कि सिडनी सिक्सर के लिए कौन ज़्यादा रन बनाए थे। देखिए दोस्तों, एलेक्स हेली ने यहाँ पर दोस्तों 16 रन बनाए थे। और दोस्तों एलेक्स हेली का दोस्तों क्या है ना कि ब्रिस्बेन हीट के सामने दोस्तों इनका रिकॉर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। अगर आप पास्ट रिकॉर्ड भी उठा के देखोगे तो आपको वही देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप चाहो तो इस खिलाड़ी को तो इस मैच में ड्रॉप करके जा सकते हो, और दोस्तों रेड माइन को पिक कर सकते हो, जो कि दोस्तों रेडमैन काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है दोस्तों, और बिग बैश में दोस्तों हमेशा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। और मोस्ट प्रॉब्ली में दोस्तों एलिस हेली को ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म भी दोस्तों कुछ खास नहीं। देखिए एलिस पेरी अगर आपको 1-4 डाउन के बीच में खेलता नजर आए तो आप इनको जरूर पिक कर लीजिएगा, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन मत बनाइएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा बॉलिंग अभी रिसेंटली करते नहीं है। एलिस गार्डनर दोस्तों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, और दोस्तों बैटिंग बॉलिंग दोनों से आपको पॉइंट देंगे, लेकिन दोस्तों ये तो एक ऑफ स्पिनर, तो आप इनको अपनी टीम में जगह देकर जा सकते हो। देखिए जगह तो जरूर देना चाहिए इस खिलाड़ी को, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन आप थोड़ा सोच समझ कर ही बनाइएगा, ठीक है। आप चाहो तो बिल्कुल भी बना के जा सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रॉब्लम में दोस्तों इनको कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा इस मैच में। निकोल बोल्टन दोस्तों एक अच्छे पिक है दोस्तों, ये भी आपको बैटिंग के साथ बॉलिंग से भी पॉइंट देंगे, तो ये दोनों को आप इस टीम से दोस्तों ड्रॉप मत कीजिएगा, दोनों इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। शायद दोस्तों आप एन बोल्टन को पिक नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों आपको ऑलराउंडर सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे खिलाड़ी देखने को मिलेंगे। तो बॉलिंग से यहाँ पर दोस्तों ब्रिस्बेन हीट के परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एन हैंकॉक एक अच्छे प्लेयर है दोस्तों, जब पहले बॉलिंग करेंगे तो इसको जरूर जगह दीजिएगा, क्योंकि आपके खिलाड़ी डेथ में करते नजर आएंगे, और जो भी खिलाड़ी दोस्तों डेथ में बॉलिंग करते उस खिलाड़ी को ड्रॉप मत कीजिएगा अपनी टीम से, वो हमेशा आपको विकेट चटकाते नजर आएंगे। जी प्रेस्टिक दोस्तों ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, इनको ड्रॉप कर दीजिएगा, जेस जॉनसन टीम का कप्तान है दोस्तों, और बैटिंग बॉलिंग के साथ साथ दोस्तों बैटिंग से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते। पहले तो दोस्तों ये बैटिंग से 1 डाउन पे बैटिंग करने आ जाते थे, लेकिन दोस्तों रिसेंटली काफ़ी नीचे बैटिंग करने आ रहे हैं। तो आप इनको अगर कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जा रहे हो दोस्तों, तो आप इनको बैटिंग से ज़्यादा उम्मीद मत लगाइए, सोरा आप यहाँ पे बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद बना के जा सकते हो, ठीक है। बॉलिंग से आपको 1-2 विकेट आसानी से चटका के दे सकते हो, और टाइम देखना कि आपको डेथ में भी करते नजर आएंगे। ग्रेस हैरी दोस्तों अगर देखिए 1 डाउन या फिर दोस्तों ओपनिंग पर मेंशन रहेंगे ना, तो मेरे टीम का दोस्तों एक कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन रहेंगे, क्योंकि दोस्तों ग्रेस हैरिस काफ़ी अच्छा खेलते दोस्तों, और सिडनी सिक्सर के सामने दोस्तों इस खिलाड़ी का रिकॉर्ड भी काफ़ी बेहतरीन है, और बेहतरीन दोस्तों या फिर स्ट्राइक के लिए जाने जाते दोस्तों, यानी दोस्तों हिटिंग के लिए जाने जाते। आप इसको कैप्टन वाइस कैप्टन बिल्कुल बना के जा सकते हो, लेकिन दोस्तों पहले आपको देखना होगा कि ये खिलाड़ी ओपनिंग कर रहे हैं या फिर दोस्तों नंबर 4 पे खेल रहा है, ठीक है। नंबर 4 पे खेलेंगे तो फिर आप इनको कैप्टन मत बनाइएगा, वाइस कैप्टन बना के जा सकते हो। पी जादव दोस्तों यहाँ पर देखिए 4 ओवर में कोई विकेट नहीं चटका पाए, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे भी नहीं, क्योंकि रिसेंट फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा है नहीं, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों ए बोस यहाँ पर शायद स्क्वाड में नहीं है दोस्तों। ब्रिस्बेन हीट के लिए देखिए ग्रेस हैरिस आपको ओपनिंग करते नजर आ रहे थे, लेकिन दोस्तों इस बार आपको शायद ओपनिंग करते नजर आए ना आए वो बताना थोड़ा मुश्किल रहेगा दोस्तों, वो तो दोस्तों लाइन अप आने के बाद ही पता चल जाएंगे। अगर ओपनिंग आएंगे तो फिर कैप्टन वाइस कैप्टन के अच्छे पिक रहेंगे दोस्तों। और यहाँ पर ब्रिस्बेन हीट के लिए दोस्तों एमिला केर दोस्तों खेलता नजर आएंगे, और अब सबको पता होगा दोस्तों कि एमिला केर दोस्तों मेरा फेवरेट खिलाड़ी है दोस्तों ओमेन्स क्रिकेटर के बीच में, ठीक है। आपका कौन सा फेवरेट खिलाड़ी है दोस्तों, आप भी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यहाँ पर देखिए रेड माइन ने दोस्तों अच्छे पारी खेले थे, और ग्रेस हैरिस ने भी अच्छे पारी खेले थे। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जी बॉल देखिए यहाँ पे एक अच्छे पारी खेल के गए थे, लेकिन इस साल दोस्तों इस खिलाड़ी का ज़्यादा रोल नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको 1 डाउन पे दोस्तों एमिला केर खेलता हुआ नजर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एमिला केर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और यहाँ पर जी बॉल का दोस्तों रोल ज़्यादा इस मैच में रहेंगे नहीं। और दोस्तों एल किमिच को अगर आप टीम में लेना चाहो तो दोस्तों डिफेंसिव पिक की तरफ से ले सकते हो, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, काफ़ी नीचे बैटिंग करने आते। और दोस्तों एक खिलाड़ी आते ही दोस्तों हीटिंग करने के लिए जाने जाते, ठीक है, हीटिंग के लिए जाएंगे। और दोस्तों ये कभी कभार क्या है ना कि 10 रन के अंदर ही दोस्तों आउट होकर चले जाते।
तो सिडनी सिक्सर की बॉलिंग परफॉर्मेंस देख सकते हैं। एन बॉल्टन दोस्तों यहाँ पर तीन ओवर देखो ऑलमोस्ट चार ही ओवर बॉलिंग किए थे, कोई विकेट नहीं मिला था और आपको बैटिंग से भी दोस्तों टॉप फाइव में खेलते नजर आएंगे। तो डिफरेंशियल पिक चाहो तो आप इनको पिक करके जा सकते हो। एम ब्राउन दोस्तों तीन ओवर में कोई विकेट नहीं चटका पाए थे, इनका अच्छा खासा पिटाई हुआ था देख सकते। एस कैमिल एक अच्छे बॉलर दोस्तों, इनका जा सकते हो, विकेट इनको भी नहीं मिला था। एलिस ब्री देखिए दोस्तों यहाँ पर तीन ओवर की बॉलिंग किया था, अगर एक खिलाड़ी दोस्तों आपको बॉलिंग करते नजर आएंगे तो ये भी एक अच्छे ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। मतलब उम्मीद नहीं है दोस्तों कि एक खिलाड़ी आपको बॉलिंग करते नजर आए, क्योंकि दोस्तों रिसेंटली ज़्यादा बॉलिंग करते नहीं है। पूनम यहाँ पर देखिए राधा जादव दोस्तों यहाँ पर इस टीम से खेल रहे थे और यहाँ पर चार ओवर में एक विकेट तीन ओवर भी चटकाए थे। एसली गार्डनर देखिए दो ओवर में 25 रन दिए थे, इनका अच्छे खासा पिटाई हुआ था, आप भी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए और इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन पे आप चले जाइए, वहाँ पर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएंगे, उसी लिंक पे क्लिक करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। या फिर दोस्तों आप चाहो तो टेलीग्राम पर जाके SK11 फैंटेसी सर्च करके भी जोड़ सकते हो, ठीक है। इसके लिए फैंटेसी सर्च करने के बाद जो आपको पहला चैनल देखने को मिलेंगे दोस्तों उसी चैनल में जुड़िएगा, क्योंकि दोस्तों सेम नाम पर काफ़ी सारे फेक चैनल खुल चुके हैं। तो गाइस देखिए विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, पर मैं आपको बताया था कि दोस्तों एलिस एली का रिसेंट फॉर्म अच्छा नहीं है और दोस्तों ऐसे भी दोस्तों ब्रिस्बेन हिट के सामने इनका रिकॉर्ड भी खराब है। तो आप यहाँ पर दोस्तों चाहो तो यहाँ पर दोस्तों रेड माइन को आप अपने डिफरेंशियल पिक की तरफ से पिक करके जा सकते हो और मैं दोस्तों अभी के लिए रेड माइन को अपनी टीम में जगह दिया हूँ और दोनों का रोल दोस्तों सेम ही है, दोनों आपको ओपनिंग करते नजर आएंगे, विकेट कीपिंग दोनों करेंगे, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों सूजी बेट्स काफ़ी अच्छे फॉर्म में गुजर रही है दोस्तों, मैं इनको जरूर जगह दूंगा। फिर मैं दोस्तों जाऊंगा एलिस पेरी के साथ और दोस्तों देखिए पे अगर ई बार्न्स खेलेंगे तो एक अच्छे पिक बन जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये खिलाड़ी आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग भी करते नजर आएंगे तो एक काफ़ी बेहतरीन पिक बनने वाले। और दोस्तों आपको यहाँ पर एक और पिक देखने वाले, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों डैनियल वेट जो कि आपको दोस्तों मिस एंड हिट टाइप का प्लेयर है, मैंने आपको हर वीडियो में इस खिलाड़ी के बारे में बताता हूँ दोस्तों जब भी इनका मैचेस आते हैं कि ये खिलाड़ी दोस्तों चलेंगे तो फिर अच्छे खासा परफॉर्मेंस कर देंगे, या तो दोस्तों आपको 20 रन के अंदर ही आउट होते नजर आएंगे। तो मैं दोस्तों यहाँ पे एरियन बाउंस को अपने टीम में जगह दूंगा, क्योंकि सब चाहते हैं यहाँ पे सूजी बेट्स की जगह दोस्तों यहाँ पे डैनी लॉयड के पिक करके जा सकते हो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए ब्रिस्बेन हिट तो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टीम है तो आप इस खिलाड़ी को जरूर जगह देकर जा सकते हो और मैं भी दोस्तों फाइनल टीम में दोस्तों इनको ड्रॉप करके इसको पिक करके जा सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे सूजी बेट्स को मैंने टीम में रखा हूँ। ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों एमिलिया केर मस्ट पिक रहेंगे और मेरे टीम में दोस्तों कैप्टन रहेंगे, फिर जोएस जॉनसन मस्ट पिक रहेंगे, एसली गार्डनर भी मस्ट पिक रहेंगे और दोस्तों मैं जाऊंगा यहाँ पर ग्रेस हैरिस के साथ। आप दोस्तों चाहो तो यहाँ पर दोस्तों गैस्टनी गार्डनर की जगह दोस्तों एन बॉल्टन को पिक कर सकते हो, लेकिन थोड़ा रिस्की रहेंगे। तो ग्रैंड लीग में दोस्तों एन बॉल्टन को जरूर जगह दीजिएगा, क्योंकि ये भी आपको बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग करते नजर आएंगे। और दोस्तों एम ब्राउन जो कि एक बॉलर ही है दोस्तों, पता नहीं इसको ऑलराउंडर सेक्शन में क्यों दिया गया, ठीक है, तो आप इनको दोस्तों ग्रैंड लीग में पिक कीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में दोस्तों सोफी एलेक्सटन मस्ट पिक रहेंगे। देखिए दोस्तों अगर यहाँ पर एमिलिया केर के बाद अगर मेरा फेवरेट प्लेयर की बात किया जाए ना तो यहाँ पर सोफी एलेक्सटन ही है, आप सबको पता होगा दोस्तों जो लोग ऑलरेडी मेरे से जुड़ चुके हैं। और मैं जाऊँगा दोस्तों जेस केर के साथ और मैं दोस्तों यहाँ पर जाऊँगा दो नौ खेलों में से एक खिलाड़ी के साथ, वो रहेंगे दोस्तों यहाँ पे एन हैनकॉक और दोस्तों एक और पिक रहेंगे दोस्तों यहाँ पे सी सिपल। ये दोस्तों देखिए सी सिपल का कहना है कि कभी कभार इनको ओवर कट हो जाती है दोस्तों, ठीक है, यानी उनको पूरा ओवर मिलता नहीं है, लेकिन दोस्तों हैनकॉक को दोस्तों हमेशा से इनको ज़्यादा ओवर मिलते हैं, तो उनमें से किसी एक को पिक कीजिएगा, ये बिल्कुल आप पर डिपेंडेंट रहेंगे। अभी के लिए मैं दोस्तों यहाँ पर एन हैनकॉक को मैंने पिक किया हूँ, लेकिन फाइनल टीम में दोस्तों यहाँ पर सी सिपल को मैंने पिक करके जा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों एक खिलाड़ी काफ़ी विकेट टेक रहे और रिसेंटली दोस्तों जो सीरीज खेल रहे थे वहाँ पर भी दोस्तों अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो दोस्तों मैं कैप्टन यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरे टीम में कैप्टन दोस्तों एमिलिया केर रहेंगे, वाइस कैप्टन मेरा अभी के लिए दोस्तों ग्रेस हैरिस रहेंगे, लेकिन दोस्तों ग्रेस हैरिस अगर दोस्तों टू डाउन या फिर दोस्तों थ्री डाउन पर बैटिंग करेंगे तो मैं उनको वाइस कैप्टन नहीं बनाऊंगा, ठीक है, ओपनिंग पर मेंशन रहेंगे तो मैं उनको वाइस कैप्टन या फिर कैप्टन बना के जाऊंगा। देख सकते हैं मैंने विकेट कीपिंग सेक्शन से यहाँ देखिए रेड बाइन को मैंने जगह दिया हूँ, आप चाहते हो बिल्कुल दोस्तों यहाँ सेफ पिक एलिस हेली के साथ जा सकते हो। बैटिंग सेक्शन में दोस्तों एलिस पेरी को जगह दिया हूँ, सूजी बेट्स को भी जगह दिया हूँ और दोस्तों एरियन बाउंस को जगह दो, इन तीनों में से दोस्तों किसी को भी ड्रॉप करके दोस्तों आप डैनियल वेट को पिक करके जा सकते हो, वो एक अच्छे पिक रहेंगे दोस्तों, ठीक है, आप उनको जरूर अपने टीम में जगह देकर जाइएगा, खास करके दोस्तों इन दोनों में से किसी को भी ड्रॉप करके डैनियल वेट को अपने टीम में जगह देकर जा सकते हो। फिर देखो ऑलराउंडर सेक्शन में दोस्तों एस्टनिल गार्डनर को पिक किया हूँ, एमिलिया केर को जगह दिया हूँ और फिर दोस्तों जेस जॉनसन और यहाँ पर ग्रेस हैरिस को मैंने जगह दिया हूँ। बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर जेस केर और दोस्तों यहाँ पर एन हैनकॉक और यहाँ पर दोस्तों सोफी एकस्टोन को मैंने जगह दिया हूँ। और दोस्तों डिफरेंशियल कैप्टन वाइस कैप्टन का अगर बात किया जाए खास करके ग्रैंड लीग में तो वो कौन बन सकते हैं, देखिए दोस्तों यहाँ पे सोफी एकस्टोन को कैप्टन वाइस कैप्टन बना के जेस जॉनसन के वाइस कैप्टन या फिर दोस्तों एस्टी गार्नर को बनाइएगा, ठीक है, खास करके दोस्तों इन दोनों कॉम्बिनेशन को जरूर यूज कीजिएगा। और दोस्तों यहाँ पे एरियन बाउंस को भी आप मत भूलिएगा, एक खिलाड़ी भी दोस्तों अगर बॉलिंग कर जाए ना तो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस करते नजर आएंगे, लेकिन दोस्तों पता नहीं इस खिलाड़ी को कितना ओवर बॉलिंग मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों इस टीम के पास काफ़ी सारे ऑफ स्पिनर है, एक तो दोस्तों एस्टी गार्नर रहेंगे, फिर दोस्तों ऑलराउंड से एक और खिलाड़ी दोस्तों एन बॉल्टन रहेंगे और दोस्तों इसके बाद दोस्तों
लाइन मारते हैं। यानी दोस्तों तीनों ऑफिस में तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बॉलिंग करते नजर नहीं आएंगे, तो इसीलिए पता नहीं दोस्तों इन स्लॉट को कितने ओवर बॉलिंग मिलेंगे। अगर दोस्तों आपको लगे कि दोस्तों इस टीम से यानी दोस्तों सिडनी सिक्सर्स के पास ज़्यादा बॉलिंग ऑप्शन दिखाई रहे, तो या फिर दोस्तों एरन बार्न्स को ड्रॉप कर दीजिएगा और डैनियल वेट को आप पिक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों उस हिसाब से इनको ज़्यादा बॉलिंग शायद ही ना मिले, ठीक है। और अगर बॉलिंग थोड़ा शॉर्ट रहेंगे तो इनको आप जरूर जगह देकर जाइएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप कहीं भी आकर जुड़ना है। अगर आप अभी तक नहीं जुड़े तो भाई बिल्कुल आकर जुड़ जाइए, और दोस्तों आप भी विनिंग का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि दोस्तों आज से आपको रेगुलर बेसिस पर दोस्तों टीम मिलेंगे बिल्कुल फ्री में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, तब तक बाय।